सो हेलो गाइस, माय नेम इज दिवांश एंड यू आर वाचिंग रसल क्रिएटर। सो WWE से जुड़े अपडेट्स को लेकर मैं फिर से वापस आ चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ में। सो आज की हमारी पहली अपडेट जुड़ी हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस से। सो मे बी आपको बहुत जल्दी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के एज अ टीम वर्क करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों ही क्या बेबी फेस सुपरस्टार है। एंड यहाँ पे जो उनकी ऑपोजिट टीम है मतलब सोलो सिक्वा की न्यू ब्लडलाइन वो क्या हील फैक्शन है। सो बेस्ट इन बर्लिन वो पेपर इवेंट होने वाला है, जहाँ पे हमें क्या रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स क्या फेस करते हुए दिख सकते हैं न्यू ब्लडलाइन को। और भाई क्या ही मोमेंट होगा जब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स क्या एक साथ काम करेंगे एज अ टैग टीम। एंड जो लोग अभी भी क्या है कन्फ्यूज है कि रोमन रेंस बेबी फेस सुपरस्टार है या हील सुपरस्टार है, तो आपको बता दो कि रोमन रेंस क्या टोटली एक बेबी फेस सुपरस्टार है। एंड अगर रोमन रेंस के एक हील सुपरस्टार होते तो समर स्लैम में क्या कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक करते, बट उन्होंने क्या नहीं किया उनके ऊपर अटैक। सो इससे साफ पता चलता है कि हमारे रोमन रेंस का एक बेबी फेस सुपरस्टार है। सो कल का जो स्मैकडाउन होने वाला काफी हद तक क्या शानदार होने वाला है, क्योंकि कल के स्मैकडाउन में क्या हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्या रोमन रेंस के साथ साथ हमें कल के स्मैकडाउन में एजे स्टाइल का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमारे न्यू यूएस चैंपियन मतलब एलए नाइट भी क्या कल के स्मैकडाउन में प्रेजेंट होने वाले हैं। सो WWE वाले यहाँ पे क्या दो टैग टीम को बहुत जल्दी अपनी कंपनी में लाने वाली है। एंड ये टैग टीम हो सकती है हमारी मोटर सिटी मशीन गन्स एंड लूचा ब्रदर्स AEW के। सो ये क्या दो टैग टीम्स होने वाले जिनको क्या है WWE वाले बहुत जल्दी हायर करने वाले हैं। सो ये पिक्चर हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर की एंड उनके वाइफ की। एंड इस पिक्चर्स में क्या हम साफ देख पा रहे हैं कि गुंथर टाइटल जीतने के बाद क्या अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। सो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हमारे ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली से। सो बॉबी लेस्ली का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE कंपनी के साथ वो क्या इस हफ्ते खत्म होने वाला है। एंड इसके बाद क्या हमें बॉबी लेस्ली दूसरी कंपनी में काम करते हुए दिख सकते हैं। सो जैसा कि हम सभी ने देखा था कि समर स्लैम में क्या फिन बैलर ने टर्न कर दिया था हमारे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। एंड इसके बाद क्या फिन बैलर बोलते कि मैं इस चीज का इंतजार क्या एक साल से कर रहा था। सो फिन बैलर क्या काफी लॉन्ग टाइम से प्लान कर रहे थे कि वो डेमियन प्रीस्ट को क्या धोखा देंगे। एंड समर स्लैम में क्या हमें वो चीज फाइनली देखने को मिली गई। सो समर स्लैम में क्या टॉप रोप से एक मूव परफॉर्म करते समय जो हमारे जैकब फाटो वो क्या घायल हो गए हैं। एंड जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैकब फाटो ने अपने पाँव में पट्टी लगा रखी है। एंड इसके बाद क्या जैकब फाटो बोलते कि रोमन रेंस तुझे तो मैं देख ही लूंगा आगे जाके। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथ में।